الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أهدى السبل بدلالته فأقر رسلا فظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, मोहतरम नाजरीन इकराम, प्रोग्राम समाजी बुराइयां और इस्लामी हल, इसमें आप हजरात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है बारात एक हिंदुआना रस्म। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुमुन फन्तहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। नाजरीन इकराम, मैंने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7 आप लोगों के सामने पढ़ी है। चंद बातें बारात एक हिंदुआना रस्म आप लोगों के सामने रखनी है। आज देख लीजिए, हम लोगों ने दूसरे लोगों से बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, गौर करते चले। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी ब्याह में बारात की रस्म थी ही नहीं। सहाबे कराम बारात लेके नहीं गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बारात लेके नहीं गए। आप गौर कीजिए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर बारात लेकर गए? जवाब नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर बारात लेकर गए? जी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया, जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है। फिर इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है। बारात लेकर गए? बोलिए गए। नहीं ना गए, फिर हम और आप क्यों जाते हैं? जोश मलिहाबादी की एक किताब आई है यादों की बारात, उसी वक्त से ये लफ्ज़ हमारे यहाँ मशहूर होता चला गया है। आप गौर करते चले, बारात ये अरबी लफ्ज़ नहीं है, अगर जाना होता तो उसका जिक्र होता। आप देख लीजिए, शादी ब्याह में पहले ही से बहुत सारे लोगों को बुला लिया जाता है। आप घर का इंतज़ाम करना है, लोगों के लिए कपड़े का इंतज़ाम करना है, रहने सहने का इंतज़ाम करना है, कितनी तकलीफ हो रही है भला बताइए। फिर इख्तलात मर्द जन है, औरत और मर्द एक साथ मिलते हैं। आप गौर करते चले, फिर उसके बाद क्या होता है, जब तैयारी हो रही है, गाड़ी बुलाई जा रही है, परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, कहीं कहीं तो बारात में औरतें भी जा रही हैं, कहीं कहीं गैर मुस्लिम को भी ले जाया जा रहा है, और बाज़ाब्ता लिस्ट दे देते, खाने पीने की लिस्ट दी जा रही है, जी ये आइटम होना चाहिए। खाला अम्मा का घर है का, कहीं भी चले जाइएगा, खाते रहिएगा। मेरे भाइयों, ये हिंदुआना रस्म है, हिंदुओं के यहाँ इसलिए है कि वो लोग बारात लेकर जाते, लोगों को लेकर जाते, तो वो इसलिए कि लड़की को विरासत में नहीं मिलता, तो जो सामान मिल जाता शादी में तो बचा कर लाया जाए, ताकि डाकू लोग, डकैत लोग डाका ना डाल दे, तो उनके यहाँ है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा है क्या? भाई लड़की को तो विरासत में मिलेगा ही, हिस्सा तो मिलना ही है। तो मेरे भाइयों, इसलिए बारात नहीं जाना। कितने लोग हैं जो बारात नहीं जाएंगे? कोशिश कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म, जो हो गया हो गया, अब आइंदा नहीं जाने का। पहले 3 दिन जाते थे, फिर 2 दिन जाते थे, अभी 1 दिन का हो गया, अभी 1 वक्त का हुआ, धीरे धीरे अब ये हो जाए कि ख़त्म ही हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप गौर करें, सहाबे कराम की जो शादी होती थी बिल्कुल सादी हुआ करती थी, और वो इस तरीके से करते थे, कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाए। जैसा कि एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 70 हदीस नंबर 5155, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत पैसे वाले हैं, शादी कर ली। उस वक्त मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती थी, जितने में आज मस्जिद नबवी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आजकल आप बाराती दावत न दें नाराज़ हो जाएगा, वलीमा में बुलाए ना बुलाए चलेगा, लेकिन बारात में जाने का, मेरे भाई वो बड़े नुकसान आते हैं। इख्तलात मर्द जन है, फिर इसी तरह कभी कभी गाड़ी उलट जाती है, कितने बाराती मर जाते हैं। मरना ही है तो जाइए, मौली साहब क्या कहेंगे? मौली साहब तो मना करते कि मत जाइए, लेकिन अब जिनको मरना ही है तो क्या किया जाए? कहीं कहीं जाके लोग क्या करते, पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं आग लग जा रहा है। फिर इसी तरीके से कभी कभी बाराती में ये भी है कि लोग पिस्तौल चला देते, बंदूक चला देते, कोई बाराती मर भी जाता है। क्यों ऐसा हो रहा मेरे भाइयों? किसने कहा? कहीं गए, नमाज उमाज कोई पढ़ता ही नहीं, फोटो खींच रहे हैं, शराब कबाब शबाब सबका दौर चलता है, जी उससे बच के रहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या हुआ, कैसे शादी की आपने? तो उन्होंने ये बयान किया कि मैंने दिया, यानी शादी के अंदर लड़के को देना है लड़की वाले को, तो दिया, क्या दिए भाई? महर देना है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बारकल्ला औलिम वलो बिशातिम, अल्लाह बरकत दे, वलीमा करना गरचे बकरी ही क्यों ना हो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कितने बारात गए, क्या हुआ नहीं हुआ, अब वहाँ पहुँचे कितने लोग नाराज़ हो जाते, जी लड़का के अब्बू नाराज़, तो वो चाचा नाराज़, तो उनके बहनों ही नाराज़, खाना अच्छा नहीं मिला, कितने लोग क्या बोलते, अरे अरे क्या खिलाया भाई, कुछ नहीं खिलाया, हड्डी टाने पूरी अपनी हड्डी हिल गई, कैसी हड्डी हिल गई भाई, अपने दांत हिल गए, अरे कैसा खाना खिलाए, पूरे खानों की लिस्ट दे देते लोग कि भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ मेरे हिसाब से खाना बनाइएगा, रे भाई एक तो बेचारा कहाँ से लाया, सूद पर पैसे लाया, परेशान होकर लाया और खिला रहा, उस पर भी जाके लोग बहुत सारे ऐब निकाल के आ जाते, अच्छा नहीं खिलाया मेरे भाई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला, तो हम और आप क्यों निकाल लें। सही मुस्लिम किताबुल अशरीफ किताब नंबर 36 हदीस नंबर 2064 माब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहमन कत्तु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। तो हमें और आपको जो मिल जाए खा लें, पहले तो यह है कि जाना सही है कि नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, सहाबे कराम की सुन्नत नहीं है, सलफ़े सालेहीन का तरीका नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ किसके तरीके पर हम और आप अमल कर रहे हैं, जबकि ये हमारा दावा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों काश के हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले हो जाएं, तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर नहीं गए, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर नहीं पहुँचे, फिर इसी तरह सहाबे कराम एक दूसरे के यहाँ बारात लेकर नहीं जाते थे, हम और आप न जाएँ। उनकी शादी जो थी बिल्कुल सादी हो जाया करती थी, इसलिए एक हदीस के अंदर आया खैरुन निकाह ऐसरहु, सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। अब आप ही बताइए, किसी के दरवाजे पर जाइएगा, कहीं कुछ कमी हो गई तो बारात वापस हो गई, कोई मसला गड़बड़ हो गया, कभी मारपीट हो जाता, किसने कहा भाई ये सब करने को। इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको इससे बचना, तो आज से तौबा कर लीजिए, जी नहीं जाना, तो समाज सुधार के लिए यही बेहतर है। हमारे पास भी बेटी है, हर एक के पास बेटी है, ज़रा ख्याल कीजिए। अल्लाह हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अद्दावतु नूरुन व ताउन तजिदु ज़ुलुमातिल हैरात मनहज खैरिन नास जमीअन ला यबला अबरल अज़मान। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيرات.